दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैडकेम सोशल मेरिट और आज हम ये टरबाइन बनाने वाले हैं। इसका मॉडल आपके सामने है और इसको हम स्केचेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नई फाइल लेके स्टार्ट करते हैं। तो नई फाइल खोल के मैंने स्केचर में आके एक ही शेप बना लिए है। ये मेरी लाइन है 150 की, ये 40 की है और ये लाइन ले रखी है और उसको भी मैं डायमेंशन कर लेता हूँ। ऐसी जाइए, इसे क्लिक करेंगे और 175 है, लेकिन अभी ये और कंस्ट्रेंट दिखाई दे रहा है तो क्योंकि ये जो पॉइंट है सर हमने इसको उसके साथ अलाइन कर दिया है, इसलिए अपने आप ही डिफाइन हो गया है सेंटर के साथ। इसे डिलीट कर दीजिए और एक यहाँ पे ये आर्क है जो कि इधर 40 और 15 से हमने मिला दिया और इस लाइन से टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट जरूर मैच कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर काम नहीं बन पाएगा। अब इसे फिनिश करते हैं और इसे मैं करने वाला हूँ रिवॉल्व। तो यहाँ से जाइए और सेलेक्ट करते हैं रिवॉल्व और रिवॉल्व का एक्सेस ये वाला और कहते हैं ओके। अब इसके बाद बनाने के बाद अब मेरे को जो टर्बाइन का ब्लेड है उसके लिए चाहिए। तो आप कर्व में जाएंगे और कर्व में यहाँ पे कर्व ऑन सरफेस और मैं स्टार्ट करता हूँ सरफेस। बेस मेरी ये है, कंस्ट्रेंट पॉइंट मैंने लिया एक ये और एक ये और एक तीसरा इस वाली एज में, और अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। आपसे ट्रैक करके थोड़ा सा लेकिन तब देखते हैं कुछ इस तरीके का और ओके। अब इसके बाद उसे लेके मैं जाऊँगा ऐसे सरफेस में और सरफेस में मेरे पास है ब्लॉक एक्सटेंशन और सिलेक्ट करिए कर्व को, ये मेरा कर्व है, फेस ये है और इसे क्यूब की जगह लीनियर करिए और इसे भी लीनियर करिए और स्टार्ट है 90 20 का एंगल। शेप हमारी कुछ इस तरीके की आप देखेंगे तो आ गई। अभी भी ये जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, आप ओके करिए और आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस कर्व पे जाकर डबल क्लिक करिए और ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए और ये मैंने थोड़ा सा उस तरफ कर दिया है। अब इसके बाद क्योंकि जब मुझे थिकनेस दूंगा तो इससे किसे टच हो रहा है इसके अंदर जाना चाहिए। इसके लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ एक्सटेंड शीट और ये इधर से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए और थोड़ा सा अंदर चल जाए ताकि बाद में यूनाइट करने पर दोनों आपस में मर्ज हो सके। इसके बाद इसे मैं करता हूँ यहाँ से थिक और थिकनेस वाला ले लेते हैं ऑप्शन थिकन और सेलेक्ट करिए थिकनेस 2 -2 और ओके और दोनों को जोड़ देते हैं। उसके लिए फिर यूज़ करना पड़ेगा यूनाइट ये और ये, दोनों को यूनाइट कर दिया और जो एक्स्ट्रा इनकलाव के सी फेस मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं रिप्लेस फेस लेता हूँ। मैं इस फेस को रिप्लेस करना चाहता हूँ इसके साथ, तो देखिए एक एरर आएगी। ये हो गया है, ओके कर दीजिए, ये हो गया है। अगर एरर आई है तो फिर हमें कुछ और यूज़ करना है और आगे यूज़ करेंगे भी इसे। इस सरफेस को मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड हो गया है। आप फिर यहाँ से एज ब्लेंड लेंगे और क्लिक 2 और अप्लाई। फिर ये जो ऊपर का है 2 2 ऐसा मुझे बेसिकली चाहिए नहीं था। आप इसे डबल क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ ऊपर की दोनों एजेस को डिसलेक्ट किया, ऐड करता हूँ और ऊपर मुझे कम चाहिए और वो है 0.8 और ओके। फिर से एज फिलिट और ये क्लिक किया और वाइट का और ओके। तो ये एक मैंने बना लिया है। अब इसको हम कर देते हैं पैटर्न। तो पैटर्न लीजिए
सर्कुलर पैटर्न में इस एज से कर्व तक ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है और वेक्टर है मेरा ये कॉपी होनी चाहिए 6। अब एक और मुझे चाहिए, ये एक्सटेंड करना है, इसे सबको मैं ठीक करूँगा। तो फिर सेकंड के लिए कर्व में जाएंगे और यहाँ से आप ले लीजिए सेम भाई, और फिर सरफेस है ये पॉइंट पॉइंट लिया मैंने एक दो और फिर ये तीन पॉइंट ये डिफाइन कर दिए। वैसे तो बिल्कुल मेजर करके मैं डिस्टेंस बीच से ले सकता हूँ, लेकिन अभी के केस में मैंने थोड़ा सा एज्यूम कर लिया है और ओके करते हैं। ऑफिस से वापस जाएंगे सरफेस में और लॉ एक्सटेंशन सेलेक्ट करिए, फेस क्लिक, ठीक है, ओके करेंगे। इसके अंदर अगर करना चाहते थे कि आई फॉर्म भी है, ये आई फॉर्म क्या करेगा, जो आइसोपैरामेट्रिक आपका कर्व है इस कर्व की शेप को आप डिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो है सिलेक्ट किया मैंने सरफेस को और इसे कर देता हूँ मैं हैंडल 3, इधर हम इसे रखते हैं 4, तो ये शेप आ गई है। अगर आपको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इनकेस आप ड्रैग कर सकते हैं और ये शेप चेंज हो जाएगी। तो डायनेमिकली आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके हेल्प से सरफेस की, और ये मैंने अप्लाई कर दिया है और करी क्लोज। यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आई फॉर्म। आई फॉर्म लेने के बाद फिर मैं यहाँ से लेने वाला हूँ एक्सटेंड, एक कर भी है आगे का है, ओके। अब फिर लेने वाले हैं थिकनेस, सेलेक्ट करिए, ओके, और फिर यूनाइट और ओके। यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा ये जो फेस है, रिप्लेस विथ और ओके, जो पहले वाली सरफेस थी उसे ऐड कर देते हैं और इसको भी फिलेट करेंगे। पॉइंटेड ऐड टू अप्लाई और इस वाली एज पे स्क्वायर को पैटर्न करेंगे। यहाँ से लेंगे पैटर्न, यहाँ से चाहिए और पूरा कर्व तक वेक्टर जेड और यहाँ से प्रीव्यू, और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया है, ओके। तो जो एक्स्ट्रा भी निकल रहा है इन सबको मैं रिप्लेस फेस करने वाला हूँ। ये जितने फेसेस एक्स्ट्रा निकल रहे थे मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, 9 फेसेस हैं और रिप्लेसमेंट फेस है मेरा ये वाला, और इसके बाद करेंगे ओके, तो ये पूरा का पूरा एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो इस तरीके का ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो एक एज प्लेट लेता हूँ और एज प्लेट यहाँ पे लिखे 5 का लगा के अप्लाई करते हैं। एक होल चाहिए
और 1 मिनट आप देखेंगे तो ये वाली जो शेप में हमारी ये ठीक आ रही है, लेकिन इधर की नहीं आ रही। तो ये क्या है, जो हमने आइसोफॉर्म लिया था उस आइसोफॉर्म को हम डिफॉर्म कर सकते हैं, है ना। आइसोफॉर्म में इसके अंदर हमने आप डबल क्लिक करेंगे तो मैंने इसे आगे पीछे करके डिफॉर्म करा था, और यही काम मैं इस पर भी करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सरफेस में जाएंगे, आई फॉर्म लेंगे, आई फॉर्म में कौन सी सरफेस थी हमारी, वो भी हाइड है, इसे शो नहीं हो रही, तो ये वाली सरफेस थी मेरी, इसे सेलेक्ट करके रखते हैं और आई फॉर्म ये वाली सरफेस क्लिक। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से देख भी रहे हैं। अब यहाँ से जाके इसे ड्रैग करता हूँ, हल्का सा एस शेप, और ओके करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बना है ये अभी हमारा यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसे आइसोफॉर्म को क्लिक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट था, तो इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करिए पहले प्लेस से भी ऊपर लेके गया, हमें से अपडेट हो रहा है। तो ये एक होल कर देते हैं और होल करने के बाद हमारी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से जाएगी। और आई फॉर्म का जो मैंने आपको बताया, आई फॉर्म का मेन बेसिकली जो यूज़ था वो यही है कि आप इसको ऊपर से शेप दे सकें, देखिए इस टाइप से एस टाइप की शेप देने के लिए आप इन हैंडल्स को, ये जो हैंडल्स हैं इन्हें ट्रैक कर सकते हैं कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करें डायरेक्शन और किधर चलिए। सो इसके लिए काम आता है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो हो फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए।